हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल ट्रैक्स। सो सेरिब्रल ट्रैक्स समझने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको सेरिब्रल ट्रैक्स इजीली समझ आ जाएगा। सो ये फ्रंटल सेक्शन है ब्रेन का, या फिर कह लिए कि सेरिब्रम का फ्रंटल सेक्शन है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम में दो रीजन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर व्हाइट मैटर। सो ये जो आउटर कॉर्टेक्स है, ये जो आपको रिम नजर आ रही है साइड में, दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स। एंड इनर में क्या है? व्हाइट मैटर। सेरिब्रम के इनर क्या प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर। सो आउटर कॉर्टेक्स किससे बना है? सेल बॉडी से। सो ये न्यूरॉन का डायग्राम है। सो न्यूरॉन में ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी। सो सेल बॉडी क्या बनाती है? ग्रे मैटर। एंड ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको कहते हैं एक्सॉन। न्यूरॉन का ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर। सो जो आउटर कॉर्टेक्स है सेरिब्रम का, वो किससे बना है? सेल बॉडी से, यानी ग्रे मैटर से। एंड जो इनर पोर्शन है सेरिब्रम का, इनर रीजन जो कि विद इन द सेरिब्रम, डीप इन द सेरिब्रम प्रेजेंट है, वो क्या बनाता है? एक्सॉन से बना हुआ है। एक्सॉन को और क्या कहते हैं? नर्व फाइबर्स। सो एक्सॉन और नर्व फाइबर से इनर पोर्शन बना हुआ है सेरिब्रम का, और एक्सॉन क्या बनाता है? व्हाइट मैटर। सो इनर में प्रेजेंट है व्हाइट मैटर सेरिब्रम में, एंड आउटर जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें प्रेजेंट है ग्रे मैटर। एंड इससे ऑपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? इनर में ग्रे मैटर होता है एंड आउटर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर। सो सेरिब्रल ट्रैक्स क्या होते हैं? विद इन द सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर, कॉर्टेक्स में नहीं, अंदर रीजन में, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड बाय मासेस ऑफ नर्व फाइबर्स। सो ब्रेन के अंदर, इनसाइड, जो डिफरेंट पार्ट्स है ब्रेन के, ब्रेन्स के बहुत सारे पार्ट है, सेरिब्रम के बहुत सारे पार्ट है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्टेड है आपस में? मासेस ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर एक्सॉन्स। सो किससे कनेक्टेड है? एक्सॉन से या फिर नर्व फाइबर से। मासेस का मतलब है कि बहुत सारे एक्सॉन्स मास में या फिर बंडल में प्रेजेंट है ऐसे। सो इनको क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। विच मेकअप द व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, क्योंकि एक्सॉन और नर्व फाइबर क्या बनाते हैं? व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। सो आपको टर्म क्लियर है कि सेरिब्रल ट्रैक्स क्या होता है? कि ब्रेन के इनसाइड, यानी सेरिब्रम के इनसाइड, जो डिफरेंट पार्ट्स है सेरिब्रम के या डिफरेंट पार्ट्स है ब्रेन के, वो आपस में किससे कनेक्टेड है? नर्व फाइबर से, एक्सॉन से या फिर ट्रैक्स से। सो इन ट्रैक्स, ये ट्रैक्स क्या बनाती है? व्हाइट मैटर। और इनका काम क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को आपस में कनेक्ट करना, क्योंकि हमारे ब्रेन के हैं तो डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन उनको आपस में कनेक्ट करना, यानी कि कम्युनिकेशन होना आपस में, उनका कोऑर्डिनेशन होना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी ब्रेन, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। सो थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैक्स, कितनी ट्रैक्स होती है सेरिब्रल ट्रैक्स? थ्री टाइप्स की। बंडल ऑफ एक्सॉन्स कहते हैं जिसको, ट्रैक्स को, दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू अनदर विद इन द व्हाइट मैटर। सो व्हाइट मैटर में, यानी इनसाइड द सेरिब्रम, एक पार्ट दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्टेड है? इन नर्व फाइबर्स के थ्रू, एक्सॉन्स के थ्रू या फिर सेरिब्रल ट्रैक्स के थ्रू। सो ये थ्री टाइप्स कौन से है? फर्स्ट है एसोसिएशन ट्रैक्स, एसोसिएशन ट्रैक्स। सेकेंड है कमिशरल ट्रैक्स एंड थर्ड है प्रोजेक्शन ट्रैक्स। नाउ व्हाट इज एसोसिएशन ट्रैक्स? एसोसिएशन ट्रैक्स कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स विद इन द सेम हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। सो जो सेरिब्रम है, वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, यानी कि सेरिब्रम हाफ में दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, और डिवाइडेड किससे? ये जो बीच में लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, इससे सेरिब्रम टू हाफ्स में, यानी टू हेमिस्फीयर में डिवाइड है, जिसको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो दिस इज अ वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन विद इन द सेम हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। सो एसोसिएशन ट्रैक्स क्या करती हैं? जैसे कि ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सो एसोसिएशन ट्रैक इसी सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक में ही रहेंगी और इसी सेम हेमिस्फीयर में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, सो दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करेगी? एसोसिएशन ट्रैक्स, लेकिन सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर में। दूसरे हेमिस्फीयर में दूसरी एसोसिएशन ट्रैक्स होंगी। एक एक हेमिस्फीयर की एसोसिएशन ट्रैक सिर्फ उसी हेमिस्फीयर में रहेंगी, दूसरे में नहीं जाएंगी। सो एसोसिएशन ट्रैक का क्या मतलब है? कि सेम हेमिस्फीयर में डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कौन करता है? एसोसिएशन ट्रैक्स। नाउ व्हाट इज कमिशरल ट्रैक्स? कमिशरल ट्रैक्स कनेक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो ये टू सेरिब्रल
हेमिस्फीयर्स हैं। सो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कौन करती है? कमिशरल ट्रैक्स। सो लाइक दिस इज द कमिशरल ट्रैक, यहाँ वाले रीजन को इधर वाले पार्ट से दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करती है कमिशरल ट्रैक्स। इसको कमिशरल इसलिए कहती है क्योंकि ये एक ब्रिज की तरह है। सो ये ब्रिज बनाती है आपस में। सो ये ब्रिज की तरह दिखता है, इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? कमिशर्स। सो इसलिए इसका नाम पड़ा है कमिशरल ट्रैक्स। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्शन ट्रैक्स? प्रोजेक्शन ट्रैक्स क्या होते हैं? कनेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को किससे कनेक्ट करती है? विद ग्रे मैटर ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में मैंने बोला कि इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर। बट ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर भी कई रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे तो आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर, लेकिन विद इन द सेरिब्रम भी ग्रे मैटर के कुछ मासेस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। सो इन आउटर कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर के साथ कनेक्ट करना, ग्रे मैटर कौन कौन से आते हैं विद इन द सेरिब्रम? जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन ब्रेन स्टेम, एंड देन नीचे कौन सा फिर? स्पाइनल कॉर्ड। सो कनेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स विद ग्रे मैटर ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो प्रोजेक्शन ट्रैक्स क्या करती है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट है उसके साथ कनेक्ट करती है, यानी लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है एंड देन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन कमिशरल एंड प्रोजेक्शन ट्रैक? एसोसिएशन ट्रैक क्या करती है? सिर्फ एक हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है। कमिशरल ट्रैक्स क्या करती है? दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करती है। एंड प्रोजेक्शन ट्रैक्स क्या करती है? आउटर कॉर्टेक्स को जो ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट है जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम एंड देन स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कनेक्ट करती है प्रोजेक्शन ट्रैक्स। नाउ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एसोसिएशन ट्रैक्स। सो एसोसिएशन ट्रैक्स क्या करती है? कनेक्ट डिफरेंट पार्ट विद इन द सेम हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। सो ये सेरिब्रम हेमिस्फीयर है टू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? एसोसिएट फाइबर। इसी तरह से जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? एसोसिएशन फाइबर। सो एसोसिएशन फाइबर का ये वर्क है। सो एसोसिएशन ट्रैक्स या फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स एंड लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। सो जो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं उसको आर्कुएट फाइबर्स भी कहते हैं। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर का क्या काम है? कनेक्ट्स डिफरेंट गायरी विद इन अ सिंगल लोब। सो यहाँ पर टू वर्ड्स है, गायरी एंड लोब। सबसे पहले लोब देख लेते हैं क्या होते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में फोर लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सो फोर लोब्स होते हैं। सो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर क्या करते हैं? एक सिंगल लोब के, फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब ले लेते हैं। सो फ्रंटल लोब के डिफरेंट गायरी को आपस में कनेक्ट करता है। सो गायरी क्या होता है? जो आउटर लेयर होती है सेरिब्रम की, दैट इज अ कॉर्टेक्स होता है जो सेरिब्रम का, उसमें क्या होते हैं? कुछ इनफोल्ड्स होते हैं। सो ये इस तरह से इनफोल्ड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? गायरी। सो ये इनफोल्ड्स या फिर ग्रूव्स या फिर रिजेस क्या कहलाती हैं? गायरी। सो ये इन फोल्ड्स, लाइक ये एक गायरी है, देन ये एक गायरी है। सो इस गायरी का क्या काम होता है? फर्स्ट ये डिफरेंट रीजन्स को सेपरेट करती है, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को सेपरेट करती है गायरी, एंड ये जो सरफेस एरिया है सेरिब्रम का उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। सो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स क्या करती हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रंटल लोब। सो फ्रंटल लोब की गायरी को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो लाइक ये एक गायरी है, ये एक गायरी है। सो इसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। सो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर या फिर एर्क्यूट फाइबर क्या करते हैं? कनेक्ट्स डिफरेंट गायरी। सो डिफरेंट गायरी को आपस में कनेक्ट करते हैं विद इन अ सिंगल लोब। सो एक सिंगल लोब में मीन्स जो शॉर्ट एर्क्यूट फाइबर्स हैं ये क्या रहेंगे? एक ही लोब में कन्फाइन रहेंगे, दूसरे लोब में नहीं जाएंगे। देन लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं? कनेक्ट्स डिफरेंट लोब्स ऑफ अ हेमिस्फीयर टू ईच अदर। अब जो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर है, क्योंकि ये लॉन्ग है तो ये दो लोब्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है। सो दो लोब्स को आपस में कनेक्ट करते हैं कौन? लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। सो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये मीडियल व्यू है सेरिब्रम का, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। सो
ये क्या है, फ्रंटल लोब. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रंटल लोब ये पूरा, एंड दिस इज अ टेम्पोरल लोब, ये इधर टेम्पोरल लोब है. सो ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. सो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स का क्या एग्जाम्पल है, सिंगुलम. सो सिंगुलम एक लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर या फिर लॉन्ग एसोसिएशन ट्रैक है, जो कि क्या करता है, फ्रंटल लोब को किससे कनेक्ट करता है, टेम्पोरल लोब से. सो एक ही हेमिस्फीयर में, एक ही हेमिस्फीयर में, दूसरे हेमिस्फीयर के नहीं, सिर्फ एक सिंगल हेमिस्फीयर के, फॉर एग्जांपल राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से कनेक्ट कर रहा है कौन, सिंगुलम. सो सिंगुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सिंगुलेट गायरी है उसके नीचे प्रेजेंट होता है एंड कॉर्पस कैलोसम के ऊपर प्रेजेंट होता है. सो कॉर्पस कैलोसम क्या है, व्हाइट मैटर. सो ये व्हाइट मैटर का बना होता है कॉर्पस कैलोसम, जो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. सो कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है सिंगुलम. सो सिंगुलम किसको कनेक्ट करता है, फ्रंटल लोब को ऑफ वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू द टेम्पोरल लोब. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सिंगुलम. सो डिफरेंस क्या है शॉर्ट और लॉन्ग में, शॉर्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, एक ही लोब में दो गायरी या डिफरेंट गायरीज को कनेक्ट कर रहा है. लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिफरेंट लोब्स को कनेक्ट कर रहा है. Now what is commissural tracts? Commissural tracts क्या कर रहे थे, connect corresponding area of two cerebral hemisphere. So ये अगर दो cerebral hemisphere है तो इसको आपस में connect कौन कर रहा है, commissural fibers. So commissural fiber cross from one cerebral hemisphere to the other through bridges called commissures. So ये one hemisphere से दूसरे hemisphere में cross करते हैं, यानी एक हेमिस्फीयर से राइट से लेफ्ट में जाते हैं कमिश्नर फाइबर्स. और ये क्या बनाते हैं, ये फिर ऐसा लगता है जैसे कि एक ब्रिज बनाया है. सो इन ब्रिज को क्या कहते हैं, कमिश्नर्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है कमिश्नर ट्रैक्स. कमिश्नर ट्रैक्स इनेबल द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द सेरिब्रम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो जो राइट साइड है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड है, किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, कमिश्नर फाइबर्स के थ्रू. लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉर्पस कैलोसम. सो कॉर्पस कैलोसम एक कमिश्नर फाइबर है जो कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है. सो ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये क्या व्हाइट मैटर है, वैसे मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम. सो कॉर्पस कैलोसम लार्जेस्ट या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नर फाइबर है जो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, राइट को लेफ्ट से. सो द थर्ड इज प्रोजेक्शन ट्रैक्स. प्रोजेक्शन ट्रैक्स क्या करती है, कनेक्ट्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विद ग्रे मैटर ऑफ लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को प्रोजेक्शन ट्रैक किसके साथ कनेक्ट करती है, ग्रे मैटर. सो ग्रे मैटर डीप इन द सेरिब्रम जो प्रेजेंट है, वैसे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बना है एंड डीप विद इन द सेरिब्रम भी कुछ ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर्स है जिनको बोलते हैं सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स. सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर जो ब्रेन में प्रेजेंट है डीप में उसके साथ कनेक्ट करती है, देन नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ. सो इट मींस प्रोजेक्शन ट्रैक्स क्या कर रही है, जो हायर एरियाज है ब्रेन के लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, उसको लोअर एरियाज ऑफ ब्रेन जैसे कि हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड देन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रही है. सो प्रोजेक्शन ट्रैक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को किसके बीच में कैरी करती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में. सो प्रोजेक्शन ट्रैक्स हमारी टू टाइप्स की होती है, एफरेंट एंड डिफरेंट. सो एफरेंट कौन सी होती है, रिमेंबर ए कम्स बिफोर ई. सो ए ई से पहले आता है. सो ए का मतलब है जो ट्रैक्स ब्रेन तक जाती हैं. सो एफरेंट प्रोजेक्शन ट्रैक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाती हैं. ये इनका एग्जांपल है जैसे कि ऑप्टिक नर्व या फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की कॉक्लियर नर्व. एंड इफरेंट प्रोजेक्शन ट्रैक्स क्या है, जो अवे जाती हैं, दूर जाती हैं ब्रेन से. तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाती है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक. सो इसका एग्जांपल है मोटर नर्व. सो मोटर नर्व क्या है, हमारे ब्रेन से निकलती है एंड कहाँ तक जाती है, हमारे स्पेसिफिक मोटर ऑर्गन्स जैसे कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ तक जाती हैं. Now one important point, superior to brainstem, such tracts form broad dense sheet called internal capsule. So brainstem हमारी यहाँ पर present है जिसमें क्या आता है, midbrain, pons and medulla. So brainstem के बिल्कुल ऊपर एक broad dense sheet या फिर broad dense bundle बनाता है जिसको ये projection tracts क्या बनाती है, broad dense sheet या फिर broad dense bundle. Dense होता है, broad होता है, जिसको क्या कहते हैं, internal capsule. So ये क्या है, दोनों साइड internal capsule. ये किसके बीच में present होते हैं, between the thalamus and basal nuclei. So thalamus and basal nuclei के बीच में present होता है internal capsule. Then radiate to a fan-like area to specific areas of cortex. Then ये ऊपर की तरफ ऐसे radiate हो जाते हैं
इन अ फैन लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ कॉर्टेक्स तक जाती हैं. सो दिस आर कॉल्ड इंटरनल कैप्सूल. देन पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स क्या होती है? पिरामिडल ट्रैक्स क्या होती है? कुछ मोटर फाइबर्स जो है इंटरनल कैप्सूल से होकर गुजरती हैं. सो जो मोटर फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल से पास होती हैं, इंटरनल कैप्सूल बनाती हैं, उनको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्स. और कुछ मोटर फाइबर्स ऐसी हैं जो इंटरनल कैप्सूल से नहीं पास होती, जबकि वो डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन तक ही रह जाती हैं, जो लोअर एरियाज हैं ब्रेन के वहाँ तक रह जाती हैं, जैसे कि सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तक ही रह जाती हैं, इंटरनल कैप्सूल से पास नहीं होती, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.